थकान को ओढ़ के बिस्तर में लेट गए, थकान को ओढ़ के बिस्तर में लेट गए, हम अपनी कब्रे मुकर्रर में लेट गए। अर्ज क्या है? थकान को ओढ़ के बिस्तर में लेट गए, हम अपनी कब्रे मुकर्रर में लेट गए, और सारी उम्र बीती एक दूसरे से झगड़ा करते करते, सारी उम्र बीती एक दूसरे से झगड़ा करते करते, और जब मरे तो उनकी करवट में जाके लेट गए, उनकी करवट में जाके लेट गए। तो डियर स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल PS क्लासेस पर, जिस पर मैं आप सभी को आज की इस वीडियो लेक्चर में पढ़ाऊंगा, जब किसी धारावाही आयताकार लूप को एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर कितना बल आघूर्ण कार्य करता है, उसका मान कितना आता है। और वीडियो के अंत में बताऊंगा, जब ऐसी धारावाही लूप को किसी त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र में, जी हाँ त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर कितना टॉर्क कार्य करता है, अर्थात कितना बल आघूर्ण कार्य करता है। तो स्टूडेंट, ये वीडियो लेक्चर सन 2019 में, ठीक है, आपसे बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा गया था स्टूडेंट। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी वीडियो लेक्चर को। तो देखिए, पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे। तो देखिए, डायग्राम कुछ इस प्रकार से है बेटा। पहले हम ड्रॉ कर रहे हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र। अब एक समान चुंबकीय क्षेत्र को आप जानते हैं कि ऐसा चुंबकीय क्षेत्र जिसमें चुंबकीय बल रेखाएं बेटा एक दूसरे से बराबर दूरी पर हों और एक ही दिशा में हों, तो ऐसा चुंबकीय क्षेत्र क्या कहलाता है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। जैसे कि मैं ड्रॉ कर रहा हूँ स्टूडेंट, देखिए ये एक समान में चुंबकीय क्षेत्र बनाया, और इसको जो हम प्रतीक देते हैं वो क्या है बेटा? बी। अब देखिए, मान लीजिए इस चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें कोई आयताकार लूप इस प्रकार से रखा है। ध्यान समझें कि ये जो लूप है, अभी इस मैग्नेट फील्ड का अर्थात चुंबकीय क्षेत्र कैसा है बेटा? समांतर है। कैसा है? समांतर। ध्यान समझे, देखिए मैं बताऊँ आपने का प्रयास करूँ। देखिए, चुंबकीय बल रेखाएं सारी उस साइड को जा रही हैं, अर्थात, और देखिए मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ बेटा, ये जो चुंबकीय बल रेखाएं सारी एक दिशा में जा रही हैं, ठीक है, और ये जो लूप है बेटा, ये आयतक हो जैसा ये देख रहे हैं वो ये है, ठीक है। तो जैसे ये चुंबकीय बल इधर को जा रही है तो लूप भी बेटा आप कैसे रखा? ऐसे रखा है, यानी चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखा। आई होप को समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब स्टूडेंट, मान लीजिए इस लूप में, मान लीजिए आई करंट फ्लो हो रहा है किसी बाह्य एनर्जी स्रोत से। कौन सा करंट फ्लो हो रहा है बेटा? आई। ये ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अब देखिए इसको नाम देते हैं, मान लीजिए पी क्यू आर एस, तो हमने इसका नाम दिया पी क्यू आर एस, ठीक है स्टैंड। अब इसकी हम मान लेते हैं, ये जो इसकी लंबाई है आयताकार जो लूप है पी क्यू आर एस, इसकी जो लंबाई है वो क्या है बेटा? मान लीजिए एल है। क्या है? एल। और इसकी जो चौड़ाई है, इसकी जो चौड़ाई है वो क्या है बेटा? आपकी वी है। ध्यान से समझें, इसकी चौड़ाई कितनी है? स्मॉल बी, स्मॉल बी, ठीक है स्टैंड। इसकी जो लेंथ है, यानी पी क्यू बराबर आर एस, वो क्या? एल है। और क्यू आर बराबर पी एस, वो क्या है बेटा? आपका वी है। क्योंकि बेटा आयत की जो अपोजिट साइड होती हैं, अर्थात सम्मुख भुजाएं होती हैं, वो एक दूसरे के बराबर होती हैं स्टैंड। आई होप को समझ में आ रहा होगा। चलिए चलते हैं आगे। अब देखिए बेटा, हम जानते हैं जब किसी धारावाही चालक को, किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसका परिमाण आता है F बराबर आई वी एल sin थीटा के बराबर, और जिसकी दिशा हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम ये कहता है बेटा कि यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे तथा इसके पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएँ कि तीनों कैसे पर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, अर्थात लंबवत हों। ध्यान से समझें कि यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे तथा इसके पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत हों, तो ये जो बीच वाली उंगली होती है मध्यम उंगली, ये धारा की दिशा को बताती है, और इसके अंगूठे के पास वाली जो उंगली होती है तर्जनी उंगली, ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है, तब अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। आपको क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है स्टैंड, तो उस पर लगने वाले फोर्स की दिशा हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं। और ये नियम कहता है कि यदि हम अपने
बाएं हाथ के अंगूठे तथा इसके पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर कैसे बेटा परपेंडिकुलर अर्थात लंबवत हो। तब ये बीच वाली उंगली जिसको मध्यम उंगली कहते हैं ये धारा की दिशा को बताती है, और अंगूठे के पास वाली उंगली जिसको तर्जनी उंगली कहते हैं ये चुंबक क्षेत्र की दिशा को बताती है। तब अंगूठा चालक पर लगने वाली बल की दिशा को बताएगा। ठीक है, तो आइए इस नियम की सहायता से देखते हैं कि इस जो आयताकार ये लूप रखा है स्टैंड, इस पर कितना फोर्स कार्य करता है, सॉरी इसका इसकी जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी। तो ध्यान से समझें, देखिए स्टैंड, अगर मैं बात करूँ स्टैंड, इस तार ये जो आपको दिख रहा है जो लूप है पी क्यू, जो पी क्यू आर एस जो लूप है, इसकी जो लंबाई है क्या है बेटा एल, यानी पी क्यू भुजा में जो धारा करंट वैल्यू ऊपर की ओर को बह रही है। ध्यान से समझें, ये जो पी क्यू भुजा है इसमें करंट ऊपर की ओर फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो पहले मैं इसी भुजा पर देखूंगा कितना फोर्स कार्य करेगा स्टैंड। ठीक है, आई होप क्वेश्चन में आ रहा होगा। देखिए मैं आप दिखाने का प्रयास करता हूँ इस कुंडली की सहायता से। देखिए मान लीजिए वो लूप ये है, ठीक है स्टैंड, अब मान लीजिए ये पी क्यू आर एस, ठीक है, करंट ऊपर की ओर फ्लो हो रहा है जबकि मैग्नेट फील्ड क्या है बेटा इधर की ओर को है। ध्यान से देखें ये क्या मैग्नेट फील्ड है, और ये जो तुम्हारा लूप है, लूप ये पी और ये क्यू, तो करंट ऊपर की ओर फ्लो हो रहा है स्टैंड। आई होप क्वेश्चन में आ रहा होगा, तो ध्यान से समझने का प्रयास करें। देखिए हम कहते हैं कि अपने दाहिने हाथ बाएं हाथ की वही फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कि यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे तथा इसके पास वाली दोनों उंगलियों को परस्पर लंबवत करें, लंबवत फैलाएं, तो मध्यम उंगली धारा की दिशा में, अंगूठे के पास वाली उंगली यानी ये वाली उंगली चुंबक के क्षेत्र की दिशा में, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करेगा। चलिए लगाते हैं इस रूल को। तो देखिए हम रखते हैं, देखिए मध्यमा उंगली को रखेंगे धारा की दिशा में, देखिए धारा चल रही ऊपर को, तो देखिए धारा ऊपर की ओर को आ रही है, और ये क्या उंगली बताएगी, देखिए ध्यान समझें, देखिए धारा ऊपर की ओर आ रही है, तो ये धारा देखिए आप देख रहे होंगे करंट की डायरेक्शन में है, और ये जो उंगली अंगूठे के पास वाली उंगली तर्जनी उंगली ये चुंबक के क्षेत्र की दिशा में स्टैंड। ठीक है, तो आप देखिए अंगूठा कहाँ जा रहा है, मेरा अंगूठा जा रहा है बोर्ड के अंदर की ओर को, यानी देखिए अंगूठा कहाँ है, अगर मैं मध्यम उंगली धारा की दिशा में रखता हूँ, देखिए धारा की दिशा ऊपर को है ये, ठीक है, और ये क्या बेटा मैग्नेट फील्ड यानी इधर को दिखा रही है, तो आप देख रहे हो मेरा अंगूठा कहाँ है, अंदर की ओर को, बोर्ड के अंदर की ओर को। ठीक है स्टैंड, यानी ध्यान से समझे, यानी ये इस कंडीशन ऐसे लगा रहा हूँ, देखिए देखिए ये चुंबक के क्षेत्र को दिखाएगी अंगूठे के पास वाली उंगली, ये हुआ चुंबक का क्षेत्र, और ये ऊपर क्यों क्या है इसमें करंट, ये जो पी, ये जो आपकी जो भुजा है ये पी क्यू है, इसमें धारा जा रही ऊपर की ओर को, तो धारा हम इस टाइप से दिखाएंगे स्टैंड। ठीक है, आप देख रहे हो स्टैंड कि मेरा जो अंगूठा है वो क्या अंदर की ओर को है, अर्थात इस पी क्यू पर जो बल लगेगा वो नीचे की ओर को लगेगा, अर्थात अगर मैं बोर्ड की बात करूँ तो बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर को लगेगा। आई होप क्वेश्चन में आ रहा है स्टैंड। ठीक है, एक बार फिर समझें कि अगर मैं अपने बाएं हाथ के अंगूठे तथा इसके पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाऊं कि तीनों परस्पर लंबवत हो, ठीक है, तो अंगूठे के पास वाली उंगली चुंबक के क्षेत्र की दिशा में, ठीक है स्टैंड, जो आप देख रहे हैं चुंबक के क्षेत्र की दिशा को बताएगी, और जो बीच वाली उंगली है वो धारा की दिशा में, तो आप देख रहे हैं धारा की दिशा में ऊपर की ओर को है स्टैंड, तो अंगूठा आप देख रहे हैं कि अंगूठा क्या ब्लैक बोर्ड के अंदर की ओर को इस टाइप से स्टैंड। ठीक है, यानी इस पी क्यू पर जो बल लगेगा स्टैंड वो अंदर की ओर को लगेगा। आई होप क्वेश्चन में आ रहा है स्टैंड। चलिए मैं इसको दिखाने का प्रयास करता हूँ, उसकी जो डायरेक्शन रहेगी बेटा वो अंदर की ओर को रहेगी, मान लीजिए वो अंदर की ओर कुछ इस प्रकार से है। आई मैं इस ये वो फोर्स है स्टैंड, आई होप क्वेश्चन में आ रहा होगा। ठीक है, मान लीजिए ये एफ वन है, क्या ये एफ वन, ठीक है, अच्छा एक बात और ध्यान से समझे स्टैंड कि ये जो बल है एफ वन, देखिए चालक इस प्रकार से रखा है, ध्यान से समझे, देखिए ये चालक है, तो जब मैग्नेट फील्ड ऐसे है और ये कैसे रखा है बेटा ऐसे, तो आप देख रहे होंगे इसकी भुजा यानी जो चालक है यानी ये लूप है, ये जो पी की भुजा है चुंबकीय क्षेत्र कैसा है लंबवत है, कैसी है बेटा लंबवत है, अर्थात इस पी क्यू और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में कितने अंश का कोण है 90 अंश का कोण है स्टैंड। ठीक है, इस बात को याद रखें, अभी हम इसका परिमाण निकालेंगे एफ वन का तब इसकी जरूरत पड़ेगी। अब देखिए इसी प्रकार बेटा कि देखिए अब इसी रूप को इस टाइप से देखिए, अब ये कौन सी भुजा है बेटा क्यू आर, तो क्यू ये है आर ये, आप देख रहे हो ये चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। आई होप क्वेश्चन में आ रहा होगा, यहाँ पर थीटा कितना है जीरो है, थीटा कितना है बेटा यहाँ पे जीरो है, ठीक है, जबकि इनके बीच में कितना एंगल है, इनके बीच में यहाँ पे 90 अंश का एंगल है। आई होप क्वेश्चन में आ रहा होगा स्टैंड। अच्छा अब आ जाइए इस वाली ये आर ए आर एस भुजा, अब आर एस जैसा कि आपने देखा कि जब ये परपेंडिकुलर है तो ये भी परपेंडिकुलर है, तो यानी ये भी कितना अंश कोण बना रही है 90 अंश कोण बना रही है, कौन सी भुजा आर एस, क्योंकि मैग्नेट फील्ड बेटा क्या है उधर की ओर का है, और भुजा इस टाइप यानी जो चालक है हमने इसको क्या आप देख रहे होंगे यानी आर एस जो भुजा है
ठीक है स्टूडेंट। तो वो इसकी मैग्नेट फील्ड क्या है, लंबवत है सेम इसकी तरह, जैसे पी एस लंबवत है, सॉरी पी की लंबवत है, ऐसे क्या आपका आर एस लंबवत है, किसके चुंबकीय क्षेत्र के, तो इसके बीच का एंगल कितना होगा 90 अंश होगा। अब देखिए इस पर हम बल की डायरेक्शन देखना चाहें, देखिए बल की डायरेक्शन क्या आएगी स्टूडेंट, ध्यान को समझें। देखिए यह हम अपने वही फ्लेमिंग का आयत का नियम कि इस उंगली को अंगूठे के पास में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखें तो और इसको धारा की दिशा में रखें। आयु क्वेश्चन में आ रहा हुआ तो आप देख रहे हैं अंगूठा क्या बाहर की ओर को है, तो यानी इस पर जो बल लगेगा बेटा बाहर की ओर को लगेगा। आयु क्वेश्चन में आ रहा हुआ ध्यान समझें कि यदि मैं अपनी उंगली को बीच वाली उंगली को धारा की दिशा में रखूँ तो धारा नीचे की ओर आ रही है, ठीक है स्टैंड, और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जा रही है। तो आप अंगूठा देख रहे हैं, अंगूठा बताएगा चालक पर लगने वाले बल की दिशा, अर्थात आर एस पर लगने वाले बल की दिशा होगी बाहर की ओर को होगी स्टैंड, ठीक है। चलिए बाहर की ओर को होगी तो मान लीजिए इसकी मैं डायरेक्शन किस टाइप से दिखा रहा हूँ, कुछ इस टाइप से दिखाया जाता हूँ, ये मान लीजिए कि आपका F2, चलिए इसको मैं हटा देता हूँ आई, तो आप ये तीर के चिन्ह समझ जाएं करंट है, तो ये क्या है बेटा आपका मान लीजिए F2 है, क्या है F2 आई क्वेश्चन में आ रहा होगा। अब बात करें हम किसी बेटा आर एस की, काहे की सॉरी पी एस की, काहे की पी एस की। अब देखिए इस भुजा को देख लीजिए, फिर से हम वही सहारा लेते हैं इस कुंडली का, आप देख रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र और ये भुजा भी देखिए इसी पैरेलल आ रही है, अर्थात यहाँ भी चुंबकीय क्षेत्र और इस भुजा यानी पी एस के बीच में एंगल कितना है जीरो, थीटा कितना है जीरो, आयोग क्वेश्चन में आ रहा होगा। अब ध्यान से समझा स्टैंड कि कहने का मतलब मेरा ये है कि कुंडली कैसे रखी थी, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखी थी, तो इसकी दो भुजाओं पर बल कार्य कर, दो भुजाएँ जो है इसकी ये वाली भुजा और एक ये वाली भुजा यानी पी क्यू और आर एस, चुंबकीय क्षेत्र कैसे हैं बेटा लंबवत हैं, ठीक है स्टैंड, और जो तुम्हारी क्यू आर भुजा है और क्या है पी एस भुजा है, ये चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, ठीक है। और देखिए अब हम जानते हैं बेटा जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल कार्य करता है, उसका मान कितना आता है देखिए मैं बना सकता हूँ एफ बराबर आई वी एल साइन थीटा आता है स्टैंड, ठीक है। अगर मैं इस भुजा की बात करूँ पी क्यू पर लगने वाले बल की बात करूँ स्टैंड, ठीक है, तो थीटा कितना आएगा यहाँ 90 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, ठीक है। जब 90 साइन 90 मान हो जाएगा बन, तो ये कह रहा है एफ बन जाएगा आई वी एल, एफ बन कह जाएगा आई वी एल के बराबर रह जाएगा स्टैंड, ठीक है। अब इसी बात के लिए मैं देखूं कि क्यू आर पर कितना फोर्स लगेगा, तो क्यू आर पर थीटा कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा, कितना हो जाएगा जीरो, क्योंकि क्यू आर भुजा और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे कैसे हैं बेटा पैरेलल है, अर्थात कोई एंगल नहीं है, तो साइन जीरो का मान कितना होता है जीरो, और जब साइन जीरो का मान जीरो रखोगे तो साइड टर्म जीरो हो जाएगा, तो एफ कितना हो जाएगा बेटा जीरो हो जाएगा, अर्थात इस पर कोई भी बल कार्य नहीं करेगा स्टैंड, ठीक है। लेकिन अब मैं बात करता हूँ किसकी आर एस पर लगने वाले बल की, ठीक है। आर एस फिर जो आर एस भुजा है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, आप देखें चुंबकीय बल रेखा तक भुजा इस टाइप से स्टैंड, ठीक है। या ये देख लीजिए कि धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में कितना इंच का एंगल है 90 इंच का एंगल है, किसमें आर एस के लिए बात करूं तो जब ये 90 रखूंगा स्टैंड तो ध्यान समझे, तो इस पर लगने वाला साइन 90 मान फिर से बन हो जाएगा, तो जब बन की गुणा में आई वैल से करूंगा स्टैंड तो फिर एफ बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, आई वैल के बराबर ही रह जाएगा, ठीक है। अब बात करूँ मैं किसी भुजा की एस पी की या पी एस की बात करूँ, ठीक है, एस पी की बात कर लेते हैं। अब ये देख रहे हैं कि ये वाली भुजा इसके चुंबकीय क्षेत्र के फिर से लंबवत है, सॉरी समांतर है, तो इसके बीच में फिर थीटा कितना है जीरो है, ठीक है। असल में जब जीरो रखूंगा स्टैंड तो यहाँ पे जो बल का मान आएगा फिर से जीरो आएगा, ठीक है। एक कंडीशन इसको ऐसे भी देखते हैं बेटा, और नहीं तो थीटा 180 भी लग सकते हैं, क्योंकि करंट आ रहा है इधर को, करंट है इधर की ओर को, करंट की डायरेक्शन क्या है बेटा एस से पी की ओर, लेकिन मैग्नेट फील्ड क्या पी से एस की ओर को है, तो थीटा कितना होगा 180 भी कह सकते हैं, और साइन 180 मान का मान भी क्या होता है बेटा जीरो होता है। जब जीरो हो जाएगा तो यानी कहने का मतलब ये है मेरा कि इसकी लूप की जो भुजा है पी क्यू और आर एस पर तो बल कार्य करेगा एफ वन और एफ टू, ठीक है स्टैंड, लेकिन क्यू आर और पी एस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा स्टैंड, आयोग को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए अब इसकी बल की दिशा को मैं बताने की बात करूँ, जैसे कि मैंने बताया कि इस पी एस पर जो बल की डायरेक्शन आएगी बेटा आप देख रहे हैं इस टाइप से है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपर को धारा की दिशा, पी क्यू की बात कर रहा हूँ, ठीक है, धारा ऊपर की ओर का, तो इस करंट को मैं करंट डायरेक्शन में ले जाऊंगा तो अंगूठा मेरा क्या रहेगा अंदर की ओर को रहेगा स्टैंड, ठीक है। आयोग क्वेश्चन में आते इसमें बल जो लेगा वो नीचे की ओर को लेगा, लेकिन बात करूँ इस आर एस भुजा पर, ठीक है, तो जब मैं ये रूल लगाऊंगा फिर से फ्लेमिंग के बाद का नियम, तो आप देख रहे होंगे करंट नीचे की ओर को आ रहा है और इधर को ये चुंबकीय क्षेत्र है, तो बल अंगूठा देख रहे होंगे आप बाहर की ओर को है, यानी कहने का मतलब ये इस लूप पर बल आपको कैसे दिखाई देगा, ये इस टाइप से दिखाई देगा, यह आपकी पी की भुजा है स्टैंड और ये मान लीजिए आपकी आर एस भुजा है, ठीक है, तो इस प्रकार से लगेगा बल, आयु क्वेश्चन में आ रहा होगा, ठीक है। जबकि इस वाली भुजा पर और इस वाली भुजा पर कोई फोर्स कार्य नहीं करेगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र के बेटा कैसी हैं समांतर हैं, जब ये बल लगेगा नीचे की ओर को, ठीक है, ये बल लगेगा ऊपर की ओर को, तो लूप बेटा ऐसे घूमने का प्रयास करेगा, आयु क्वेश्चन में आ रहा होगा ध्यान समझें।
अभी तो ये चुंबकीय क्षेत्र के बिल्कुल पैरेलल लगी पूरी कुंडली डिस्टेंट, ठीक है, लेकिन इसकी दो भुजाओं पर जो फोर्स लगेगा वो जीरो लगेगा, जबकि इसकी जो शेष दो भुजाएं अर्थात जो लंबाई वाली भुजाएं पी की ओर आर एस, उन पर फोर्स एक पर पी की ओर लगेगा नीचे की ओर को, इस पर लगेगा ऊपर की ओर को डिस्टेंट। तो ये लूप इस टाइप से घूमने का प्रयास करेगा डिस्टेंट, ठीक है। अभी हम इसके इस वाले बल का और इस बल का मैग्नीट्यूड निकाल दें, इसका मान कितना होगा डिस्टेंट। चलिए देखिए मैं लिखता हूँ, लूप की भुजा पी क्यू पर लगने वाला बल, लगने वाला बल क्या हो जाएगा, देखिए एफ वन बराबर हो जाएगा आई बी एल। तो आप पी क्यू और चुंबक क्षेत्र के बीच में कितना एंगल है बेटा, 90 अंश है ना। तो होता है क्या, आई बी एल साइन थीटा और साइन नब्बे का मान कितना होता है अपन, तो बन से और में गुणा करूँगा तो आई बी एल ही रह जाएगा। आई आपको समझ में आ रहा होगा स्टैंड। चलिए अब देखिए इसी प्रकार यहाँ पर तो कोई फोर्स कार्य करेगा नहीं, यहाँ पर भी कोई फोर्स नहीं कार्य करेगा, तो फोर्स किस भुजा पर आएगा, पी क्यू पावर आर एस पर, ठीक है स्टैंड। चलिए मैं निकालता हूँ, इसी प्रकार लूप की भुजा आर एस, कौन सी बेटा आर एस पर लगने वाला बल, इसे मान लीजिए मैं एफ टू लिख लेता हूँ। तो ये भी आप देख रहे हैं बेटा कि ये भुजा और चुंबक एक दूसरे कैसे परपेंडिकुलर है, ठीक है, या देख लीजिए करंट नीचे की ओर को आ रहा है चुंबक की ओर का, तो भी ये लंबत ही है, अर्थात थीटा क्या रहेगा, फिर से लंबत रहेगा आई बी एल। अब फिर तो साइन 90 रखूंगा, तो साइन 90 का मान जब बन हो जाएगा तो फिर गुणा करूँगा तो आई बी एल आ जाएगा। आई आपको समझ में आ रहा है स्टैंड, ठीक है। लेकिन अब देखिए इस बल को मैं अलग से दिखा, अब एफ वन एफ टू के मान हमने निकाल दिए, यानी इस भुजा पर कितना फोर्स है, इस भुजा पर कितना फोर्स है, आप देख रहे हैं इनके मैग्नीट्यूड अर्थात परिमाण तो बिल्कुल बराबर है, लेकिन इनकी दिशाएं अलग अलग हैं। इनकी दिशाएं कैसी हैं बेटा, अलग अलग। वो कैसे हैं बेटा कि इस पर जो फोर्स है वो नीचे की ओर को है, इस पर जो फोर्स है वो बाहर की ओर को। आई आपको समझ, देखिए इस टाइप से आ रहा है समझ में आपको, कि इस वाली भुजा पर जो फोर्स लगेगा वो अंदर की ओर को लगेगा, ठीक है, और इस पर जो लगेगा बाहर की ओर को। तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर, ठीक है, नीचे की ओर, ठीक है। और इसमें जो रहेगा वैसे इसके अपोजिट लिखा जाएगा स्टैंड, यहाँ पर थोड़ी जगह कम है, कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर, मैं ऐसे लिख देता हूँ शॉर्ट में, बाहर की ओर, बाहर की ओर, ठीक है स्टैंड। अब यहाँ से आपको पता चल गया कि पी क्यू और आर एस पर लगने वाले बल के परिमाण एक दूसरे के बराबर हैं, जबकि इनकी दिशाएं क्या हैं बेटा, अलग अलग हैं, और ये बल एक दूसरे के विपरीत भी हैं स्टैंड, ठीक है। अब ध्यान से समझने की बात ये है बेटा कि अब देखिए, अगर अब तो ये लूप ऐसा रखा है स्टैंड, ठीक है स्टैंड, अगर आप ऑब्जर्व करो कि ये लूप आपको, आप इस लूप को आप फ्रंट से देखें, सामने से देखें, मतलब यहाँ से देखें, मतलब देखिए यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ की, ठीक है, आप ऐसे देखें तो आपको केवल ये वाली साइड दिखाई देगी, ये साइड और ये साइड, इसके बिल्कुल अपोजिट साइड आपको दिखाई नहीं देगी। यानी लूप आपको कैसे देखने का प्रयास करें, इस टाइप से देखने का प्रयास करें, आपको ये भुजा दिखाई देगी केवल ओनली ऑल, ठीक है स्टैंड। यानी देखिए अब मैं इसको और बारीकी से बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपके वो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी स्टैंड, ध्यान समझें। देखिए आप मान लीजिए मैं फ्रंट से स्टेप ऐसे देख रहा हूँ इसको, तो मुझे ये वाली भुजा देखिए, कौन सी भुजा, यानी ये वाली भुजा, ठीक है, जिसकी जो लंबाई है वो क्या है, देखिए ये मैं इधर बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये मैं सामने से इस लूप को अगर देखूँ डिस्टेंट, तो मुझे ये मान लीजिए इसकी जो डिस्टेंट पूरी क्या है बेटा, वो वी है, क्या है, यानी जो लूप की चौड़ाई है वही है ना, ये वी। आपको समझ में आ रहा होगा मैंने ये कहा कि अगर मैं लूप को स्टेज फ्रंट से देखने का प्रयास करूँ सामने से, तो मुझे ये केवल ये वाली भुजा इसकी दिखाई देगी, ठीक है स्टैंड। अच्छा अब देखिए आपको, अब इस पर जो बल है इस वाली भुजा पर, ठीक है, वो नीचे की ओर को है, इस पर जो बल है बेटा वो ऊपर की ओर को है, ठीक है। तो मैं वही दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ स्टैंड कि इसका जो बल नीचे की ओर को स्टैंड, देखिए समझे बात को, ये ऊपर की ओर को बल था, ध्यान से देख सकते हैं, फिर से फ्लेमिंग का बात करने को, मैं इसी वजह की बात कर रहा हूँ है ना, ये देखिए इस टाइप से, तो बल ऊपर की ओर को, तो मैं ऊपर बना रहा हूँ, जिसे मैंने क्या कहा है बेटा, एफ टू कहा है, क्या कहा है, एफ टू, इसका परिमाण कितना है बेटा, आई बी एल के बराबर है। अच्छा ये जो भुजा है जिस पर जो बल है वो नीचे की ओर को है, यानी इस वाली पे, तो इसका जो बल है वो बेटा ये है, ये क्या है बेटा आपका F1, और ये भी परिमाण कितना है, आई बी एल के
बराबर है। अब आप देखें स्टैंड कि F1 और F2 के मान एक दूसरे के बराबर हैं, ठीक है स्टैंड, और एक दूसरे के विपरीत भी हैं, अतः ये एक दूसरे को क्या कर देंगे बेटा, निरस्त कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा, निरस्त। आयोग को समझ में आ रहा होगा, जब ये निरस्त कर देंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों साइडों पर तो नेट फोर्स शून्य ही था, लेकिन आपने ये देखा कि एक दूसरे ये जो बल हैं एक दूसरे के बराबर हैं और एक दूसरे के विपरीत है, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे, अर्थात इस लूप पर कोई भी परिणामी बल कार्य नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन आप देख रहे होंगे, लेकिन इन F1 और F2 के कारण एक बल युग्म जरूर कार्य करेगा जिसको घुमाने का प्रयास करेगा। आयोग को समझ में आ रहा हो, जैसे इस वाली भुजा बल नीचे की ओर को है, इस वाली भुजा बल ऊपर की ओर को है स्टैंड, ठीक है। यानी इस टाइप से जब ये लूप इस टाइप से घूमेगा स्टैंड, तो मान लीजिए किसी क्षण, ठीक है स्टैंड, जो आपका लूप है थीटा कोण घूम चुका है स्टैंड, ठीक है। अब मैं इसकी सेकेंड कंडीशन बता रहा हूँ कि मान लीजिए किसी क्षण ये जो लूप था बेटा कुछ आपकी इस कंडीशन में आ गया है, ठीक है, यानी ये थीटा एंगल घूम गया है, ये आयोग क्वेश्चन आ रहा है। और जैसी कंडीशन F1 थी वो देखिए F2 वाली हुई है, ये कंडीशन जो मान था F2 और कितना था IVL, और जो ये नीचे वाली कंडीशन है वो बेटा आपकी ये हैगी, ये कौन सी है बेटा, F1 बराबर IVL। ये उस क्षण की बात है डिस्टेंट, मैं आपको बताऊंगा अभी कि जब ये थीटा कोण यहाँ से थोड़ा घूम गया इस टाइप से डिस्टेंट, ठीक है। चलिए, और ये जो V था बेटा वो आपका V ये है स्टैंड, ठीक है। अब अगर मैं इस बल आघूर्ण का मान निकालूं, बल आघूर्ण का जो सूत्र होता है बेटा कक्षा 11 हमने पढ़ा होगा, बल गुणा लंबत दूरी, तो बल तो अपने पास है डिस्टेंट F बराबर IVL, लेकिन लंबत दूरी अभी आपके पास नहीं है, उसको कैसे निकालेंगे, अर्थात दोनों बलों के बीच की लंबत दूरी कैसे निकलेगी, देखिए ध्यान समझें। देखिए मैं लंबा दूरी दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि लंबा दूरी का मान आप कैसे निकालेंगे अपने डायग्राम से। ठीक है स्टैंड, ये ध्यान समझिए, मान लीजिए किसी क्षण ये थीटा कोण घूम चुका है स्टैंड, ठीक है। देखिए, और ये लंबा दूरी किस अगर यह नाम दूं तो ये कितना बेटा 90 अंश, ठीक है। अगर मैं नाम लिखना चाहूं तो ये मान लीजिए, इसको पूरा डायग्राम बना देता हूं मैं, ये अब आपको एक सुंदर सा ट्रायंगल दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, ट्रायंगल दिख रहा होगा। आपको लंबा दूरी का दिखानी है, आपको ये लंबा दूरी ये बतानी है, ये दोनों बलों के बीच की दूरी, दोनों बलों के बीच की दूरी, यानी ये क्या आपका बेटा F2 है और ये क्या बेटा आपका F1 है, यानी इनके पीछे ये बतानी है आपको, ठीक है। चलिए, ये कैसे निकालेंगे, देखिए त्रिभुज में, अब देखिए हम जानते हैं साइन थीटा और आर क्या होता है बेटा, लंबटे कर्ण होता है, क्या होता है, लंबटे कर्ण। देखिए इस डायग्राम क्या मैंने आपको बता दिया कि इसकी आप जरूरत नहीं है, मेन डायग्राम थोड़ा ये है और इसके बाद ये डायग्राम है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लंबा दूरी का मान निकालूंगा, देखिए साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। अब देखिए लंबा दूरी क्या है, मैं यहाँ पर अगर लिखना चाहूँ तो यहाँ लिख दो ए, ठीक है स्टैंड, और ये सॉरी पी बिंदु है, यहाँ पे कौन सा बिंदु बेटा, ये पी बिंदु है पी, तो पी, और ये कौन सा बिंदु है बेटा आपका एस बिंदु है, तो ये पी एस जो है इसकी लंबा दूरी है, यानी दोनों बल ये लग रहे हैं, इनके बीच की लंबा दूरी क्या है बेटा पी एस है, पी और एस, ठीक है स्टैंड। अच्छा, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, अब थीटा के सामने क्या होता है बेटा लंब, तो लंब क्या आपका बेटा पी एस, आयु क्वेश्चन में आ रहा होगा। कर्ण, कर्ण क्या है बेटा आपका, ये 90 अंश का एंगल है, जब ये 90 अंश का एंगल तो बेटा ये भी क्या होगा 90 अंश का एंगल होगा, आयु क्वेश्चन में आ रहा होगा, ठीक है स्टैंड। तो लंब कर्ण क्या आपका, कर्ण है ये वाली भुजा, और कर्ण का मान कितना है, क्या है ये आपका बी, क्या है बी, यानी ये जो लूप की जो चौड़ाई थी स्टैंड, ठीक है, ये भी साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, लंब थीटा के सामने लंब है, थीटा के सामने कौन सी भुजा आपकी पी एस भुजा, तो लंब ही हो गया पी एस, ठीक है। कर्ण होता है 90 अंश के सामने, 90 अंश कौन सी भुजा, ये बी जिसकी लेंथ है ना। अच्छा, अब मैं मान यहाँ से निकालना चाहूँ बेटा पी एस का का पी एस का अर्थात लंबा दूरी का, तो यहाँ से मान निकलेगा बेटा तो पी एस गुणा बन सके तो ये पी एस हो जाएगा, और ये हो जाएगा बेटा बी साइन थीटा, क्या हो जाएगा बी साइन थीटा हो जाएगा, सॉरी स्मॉल बी बनेगा,
तो बी साइन थीटा हो जाएगा स्टैंड, ठीक है। तो लंबा दूरी कितनी आएगी बेटा आपकी, बी साइन थीटा के बराबर आएगी। चलिए निकालते हैं अब इसका मान, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण। तो देखिए बल आघूर्ण का मान निकाल रहा हूँ, बल आघूर्ण क्या होता है, बल गुणा लंबवत दूरी, लंबवत दूरी, ठीक है स्टैंड। चलिए तो इसे लिखते हैं, बल आघूर्ण को बेटा क्या लिखते हैं, टॉ से लिखते हैं, टॉ बराबर बल, कोई सा भी लिखें, देखिए परिमाण बिल्कुल बराबर है, आई एफ बराबर आई बी एल, एफ बराबर आई बी एल, तो एक लिख लेते हैं एफ आई बी एल, आई बी एल। लंबा दूरी क्या बेटा आपकी, बी साइन थीटा, क्या है, बी साइन थीटा डिस्टेंस, ठीक है। अब ध्यान से देखें बेटा कि एल इंटू बी, एल क्या है, इस लूप की लेंथ है, एल इस लूप की लेंथ है, और बी क्या है, इसकी ब्रेथ है, अर्थात ये चौड़ाई है, यानी एल इंटू बी क्या हो जाएगा, इस लूप का क्षेत्रफल हो जाएगा, अर्थात एरिया हो जाएगा। तो ध्यान समझें, बट या परंतु लिखेंगे हम तुम कि एल इंटू बी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ए लूप का क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा बेटा, लूप का क्षेत्रफल। तो ये टो बराबर हो जाएगा बेटा आपका आई वी एल, सॉरी एल और बी का मैं मान निकाल चुका हूँ, ध्यान समझें कि एल इंटू बी क्या हो गया बेटा, ये आपका ए हो गया स्टैंड, और ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। अभी क्वेश्चन में आ रहा होगा आई बी ए साइन थीटा डिस्टेंस। तो आपने देखा बेटा कि जब किसी धारावाही लूप को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो बेटा उस पर कितना बल आघूर्ण कार्य करता है, तो बराबर आई बी ए साइन थीटा के बराबर होता है। अर्थात जब किसी धारावाही लूप को, आयताकार लूप को किसी चुंबकीय, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर लगने वाले बल आघूर्ण का जो मान आता है वो कितना आता है, तो बराबर आई बी ए साइन थीटा के बराबर आता है स्टैंड, ठीक है। अच्छा अगर लूप के स्थान पर बेटा एन फेरो वाली कुंडली हो, आई होप क्वेश्चन में आ रहा होगा, लूप के स्थान पर एन फेरो वाली कुंडली हो तब क्या होगा, दे तो मैं लिख देता हूँ। देखिए यदि लूप के स्थान पर एन फेरो वाली कुंडली हो तब, देखिए एक फेरे से बद्ध जो बल आघूर्ण का मान है वो कितना है, आई वी ए साइन थीटा के बराबर है स्टैंड, ठीक है स्टैंड। लेकिन जब वो एन फेरे वाली कुंडली हो जाएगी, यानी ये एक फेरे के लिए इसका मान कितना है बेटा इतना, लेकिन ऐसे से इसमें बहुत सारे फेरे लपेट दे जाएँ, ठीक है, तो एन से गुणा करा देंगे तो ये टो बराबर हो जाएगा। तो इसलिए टो बराबर आएगा स्टैंड आपका, टो बराबर हो जाएगा एन बी ए, आई छूट गया, एन से गुणा कराइए तो एन आई बी ए साइन थीटा, साइन थीटा। अगर लूप के स्थान पर एन फेर वाली कुंडली हो गई स्टैंड तो उस पर लगने वाला जो फार्मूला आएगा वह आएगा एन वी ए साइन थीटा। आइए क्वेश्चन, जहां मैं एक चीज लिख देता हूं, यहां से समझे इस चीज को, अब इसके बाद यहां से इधर को आकर के, है ना, जहां आई ए बराबर क्या होता है, या एन आई ए भी कह सकते हैं इसको, फिर संख्या का लेना चाहें तो वैसा तो आई ए होता है, एन आई ए बराबर क्या होता है, एम, एम मतलब चुंबकीय आघूर्ण। आप देख रहे होंगे ये जो एन आई ए दिख रहा है, एन आई ए जब दिख रहा है तो आपको इसका मान कितना हो जाएगा बेटा, एम हो जाएगा। एम क्या बेटा, चुंबकीय आघूर्ण, क्या है ये, चुंबकीय आघूर्ण। मैं थोड़ा नीचे को लिख देता हूँ, क्या है ये, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण। तो देखिए अब ये टो हो जाएगा, तो टो बराबर आ जाएगा स्टैंड आपका, तो ये एन आई ए ये हो जाएगा एम, तो ये जाएगा बेटा एम बी साइन थीटा। आई होप समझ में आ रहा होगा स्टैंड, ठीक है।
तो ये तो बात रही स्टैंड कि जब कुंडली एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में लटकाई जाए, ठीक है, एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में लटकाई जाए तब तो उस पर जो लगने वाला बल अवगुणों का मान आता है वो कितना आता है बेटा, NIA V साइन थीटा के बराबर आता है या MB साइन थीटा के बराबर आता है स्टैंड, ठीक है। अगर ये कुंडली किसी त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र में रखी जाए, आइए क्वेश्चन में आ रहा होगा कि आप सोच रहे होंगे त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, आइए मैं उसके बारे में आप समझता हूँ। इतने आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टैंड, अर्थात अपने नोट्स में कॉपी कर लीजिए। अब इसको थोड़ा सा इसका सर्किट डायग्राम आपको मैं थोड़ा साफ करूंगा, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जब किसी कुंडली को त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, ठीक है, तो उस पर कितना टॉर्क कार्य करता है अर्थात कितना बल अवगुण कार्य करता है। चलिए साफ करिए इसको, लिखिए इसको, मैं बाद में साफ करूंगा इसको, यह जहां, ठीक है। आई होप कि आप नोट कर चुके आप। चलिए मैं इसको थोड़ा साफ कर रहा हूँ, अब मैं बताऊँगा जब इस आयताकार लूप को, ठीक है, किसी त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर कितना बल कार्य करता है। साफ कर रहा हूँ, दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके सबको हो रही है खबर चुपके दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके। चलिए तो देखिए, अब मैं बात करता हूँ कि जब किसी कुंडली को त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर कितना टॉर्क कार्य करता है। और इसको समझना बेटा इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे अगला वीडियो लेक्चर आएगा चल कुंडली धारा मापी का, तो उसमें त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र की बात बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगी स्टैंड। तो इसको आज ही समझ लेंगे तो वहाँ पे आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए इसके लिए क्या करते हैं बेटा, एक दो अवतलाकार NS ध्रुव लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा, NS ध्रुव, ठीक है स्टैंड। तो ये दो अवतलाकार चुंबकीय क्षेत्र, दो चुंबक लिए हमने, स्थायी चुंबक, ठीक है स्टैंड। अब आप जानते हैं कि N ध्रुव से चुंबकीय बल रेखा निकलती हैं, N ध्रुव से चुंबकीय बल रेखाएं बेटा क्या होती हैं, निकलती हैं। मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा करके बना देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत इसको समझने में ना आए, ठीक है। मान लीजिए ये S ध्रुव है। अब मान लीजिए कि इसमें मैं कोई कॉइल रख रहा हूँ अर्थात कुंडली रख रहा हूँ, ये आयो क्वेश्चन में आ रहा होगा, ये बेलनाकार है, क्या है बेटा, ये बेलनाकार है लेकिन आपको देखने में वृत्ताकार दिखाई दे रहा है, ठीक है। यानी आप ये समझिए किसी बेलन का आप ये चीज़ देखना चाह रहे हैं, ये मार्कर है, आप इसको ये चीज़ दिखाई दे रही है ना, ये बेलनाकार कॉइल है डिस्टेंट, ठीक है, जिसकी आपको ये वाली जो शेप है वो दिखाई दे रही है डिस्टेंट, ठीक है। अब देखिए इससे चुंबकीय बल रेखा बेटा कुछ ये निकल रही है, जैसे कि आप जानते हैं कि अंदर से चुंबकीय बल रेखाएँ निकलती हैं, ये क्या है बेटा, चुंबकीय बल रेखाएँ, क्या है ये, चुंबकीय बल रेखाएँ, ठीक है। और ये कहाँ एंट्री करती हैं बेटा, आप समझ रहे होंगे, ये एस में एंट्री करती हैं, एन ध्रुव से निकलती हैं और एस में एंट्री करती हैं, आयो क्वेश्चन में आ रहा होगा स्टैंड, ये ठीक है स्टैंड। तो ये ऐसा चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र का, सॉरी त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र क्या कहलाता है, ये त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र, क्या बोलेंगे इसको, त्रिज्य, जिसे बोलते हैं रेडियल, रेडियल, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। अब क्वेश्चन में आ रहा हुआ इसमें करते हैं दो अवतलाकार चुंबकीय दो ध्रुव NS लेते हैं और चुंबकीय बल रेखा NS से N ध्रुव से निकलती है, ऐसे प्रवेश करती है और इसमें हमने कोई कुंडली रखी है डिस्टेंट, क्या रखी है, कुंडली रखी है, ठीक है, ठीक है। जो चुंबकीय क्षेत्र कैसे, जिसका जो प्लेन है, जिसका जो तल चुंबकीय क्षेत्र क्या है बेटा, समांतर है, ठीक है। अगर मैं इस कुंडली पर क्षेत्रफल सदिश को देखना चाहूँ, क्षेत्रफल सदिश, तो वह क्या रहेगा बेटा, इसके परपेंडिकुलर बाहर की ओर रहेगा, यानी चुंबकीय बल रेखा इस टाइप से हैं, ठीक है। आप क्षेत्रफल सदिश यानी एरिया सदिश आप जानते हैं कि उसकी दिशा जो होती है हमेशा किसी प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, यानी चुंबकीय बल रेखा इधर को, लेकिन इस पर जो
जो आपका जो परपेंडिकुलर आएगा यानी क्षेत्रफल सदिश आएगा यानी वो इस टाइप से आएगा स्टैंड, यानी इनके बीच में एंगल चुंबक का क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच में एंगल कितना है। वेरी गुड, 90 अंश है। ध्यान से समझें कि जब हमने किसी कॉइल को, कुंडली को, ठीक है, क्या है बेटा ये कुंडली है, याद रखें क्या है ये कुंडली, और ये ऐसे रखिए कि ये चुंबक क्षेत्र के क्या बेटा चुंबक वलयकांक के समांतर इसका जो तल है, ठीक है। अब इस पर हम परपेंडिकुलर लें तो चुंबक वलयकांक बेटा ऐसे जा रही है, लेकिन इसमें क्षेत्र क्षेत्र इस टाइप से आएगा, तो अर्थात एक दूसरे क्या जाएंगे बेटा परपेंडिकुलर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन पर जो टॉर्क का मान आएगा वो कितना आएगा उसकी बात मैं करता हूँ। चलिए मैं लिखता हूँ इसको, यदि कुंडली त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र, शॉर्ट में लिख देता हूँ चलो, में इस प्रकार स्थित हो कि उसका तल चुंबकीय बल रेखाओं के समांतर हो, कैसा हो बेटा समांतर हो, तब थीटा कितना रहेगा बेटा 90 रहेगा, कितना रहेगा 90 रहेगा। जब कुंडली का तल चुंबक क्षेत्र कैसा हो बेटा समांतर हो, तब थीटा कितना रहेगा 90 को अभी भी समझें कि चुंबक बल रेखाएं बेटा इस टाइप से चल रही है, लेकिन इस पर लंब कहता है ऐसा आएगा, अर्थात इस पर क्या हो जाएगा बेटा ये लंब हो जाएगा। तो देखिए टोर आर कितना आएगा, बलागुण का मान आएगा, टो बराबर रहेगा जिसे हम बलागुण टो बराबर देखिए क्या है, यहाँ से ले लेते हैं एन आई एन आई एन आई ए बी, ठीक है, और साइन 90, जैसे कि आपने देखा अभी हमने पढ़ा था साइन थीटा होता है, ठीक है स्टैंड। अब मैं इसको रब किया देता हूँ ताकि आपको उतारने में कोई इसको कॉपी करने में कोई दिक्कत वाली बात ना आए, इसलिए मैंने रोक रखा था ये, ठीक है स्टैंड। अब देखिए तो साइन 90 का मान कितना हो जाएगा, एन आई ए बी इंटू वन हो जाएगा साइन 90 का मान, तो टो इज इक्वल टू आएगा बेटा एन आई ए बी न्यूटन मीटर। आई होप क्वेश्चन में आ रहा होगा स्टैंड। तो ये वो आर्टिकल था बेटा जो आपसे सन 2019 में 5 नंबर में आपसे पूछा गया था। तो इस प्रकार डायग्राम सर ये आर्टिकल पूरी तरीके से प्रूव हो चुका है। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम होगा चल कुंडली धारा मापी। थैंक यू, धन्यवाद।